मेरा सवाल यह है कि आखरत पर ईमान कैसे बढ़ाया जाए माशाल्लाह बहुत अहम सवाल है बहुत अमरी मसला है कि आखरत पर ईमान कैसे बढ़ाया जाए क्यों क्योंकि वो मुशिक जिनका आज भी जिक्र हुआ पिछली नशित में भी जिक्र हुआ आखरत को फरामोश किए बैठे थे तो हक से दूर हो गए थे अभी बहुत अहम सवाल है कि आखरत को अपने अंदर उसके उसके ईमान को कैसे बढ़ाया जाए अल्लाह का शुक्र तो अदा करने के हम कुरान के मानने वाले हैं हम इस्लाम के मानने वाले हैं तो हमारे पास इतनी बड़ी दौलत कुरान की भी है कुरान का हर सफा बेटा आखरत के बयान से भरा हुआ है कोई सफा ही शायद होगा जहाँ आखरत का जिक्र ना हो तो जितना हम कुरान की तेरावत भी करेंगे और कुरान को समझेंगे बार बार और समझ समझ कर तेरावत भी करते जाएंगे पढ़ते चले जाएंगे हर दिन बल्कि दिन के मुख्तलि अवकात में हमें याद दहानी होती रहेगी आप सुर फातिया को लीजिए मालिकी योम है ना अल्लाह बदलेगी दिन का मालिक है फजर में भी जहर में भी असर में भी मग़रब में भी ईशा में भी जब समझ के अदा करेंगे तो बताइए बदले का दिन याद रहेगा कि नहीं आखिरत याद आएगी कि नहीं एक काम तो ये करना दूसरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा की जिंदगियों का मुताला करना वहां पे जो टॉप ऑफ द लिस्ट उनकी असल बात थी जो पेश नज़र रहती वो क्या थी आखरत की जिंदगी अल्लाह के नबी नबीम हालांकि आप तो मासूम और खताओं से पाक हैं सुबह भी जहन्नम से बचने की दुआ कर रहे हैं शाम के औकात में भी जहन्नम से बचने की दुआ कर रहे हैं रात के औकात में भी जहन्नम से बचने की दुआ कर रहे हैं तो अल्लाह के पैगम्बर मासूम होकर और वो तो जन्नत का दरवाजा सबसे पहले उनके लिए खोला जाएगा अगर वो जान से बचने की दुआएं करें तो मुझे थे और रोते थे। तो जब और कराम की बार बार हमारे मुताबे में आएंगे तो क्या होगा इससे भी हमारे अंदर आखिरत की फिक्र पैदा होगी और आखिरी बात बातें बहुत सी लेकिन जवाब में आखिरी बात दीन के माहौल में उठना बैठना दुनियादारों के साथ बैठते हैं तो फिल्म ड्रामे नाच गाने अच्छे लगते माफ कीजिएगा फिर मोबाइल फ़ोन की बात हो रही होगी स्मार्टफोन की बात हो रही होगी इंटरनेट के कौन से पैकेज पर आजकल बात हो रही है और शादी ब्याह के खर्चों में आजकल क्या चल रहा है कौन इन है आजकल ठीक है ना मेरी मालूम वैसे कम है सही है कौन इन है किसकी मूवी आजकल मार्केट में इन है कौन सा एक्टर कौन सी एक्ट्रेस वो इन है अवार्ड किसको जा रहा है ये पैसे हो रही होती है ना और जब दीन के माहौल में जाएंगे अल्लाह वालों की सोबत में जाएंगे तो क्या होगा और आजकल ईमान की कैफियत कैसी है और नमाजें कैसी जा रही और कुरान का मामला कैसे चल रहा है और मौत याद रहती है कि नहीं रहती क्या ख्याल है ऐसे ही है ना तो जब नेक माहौल में जाएंगे दीन के माहौल में जाएंगे अल्लाह वालों की सोबत में जाएंगे तो आखिरत की फिक्र भी पैदा होगी इनशा नाजीन अगर आप ऐसी ही मजीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा ए आर वाई क्यू टी वी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए